हेलो किरण, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे हम लोग जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो कमर्शियल लीफ जो यूज़ करते हैं तो हमने उसका ट्रेनिंग दिया, बाकायदा बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया। उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना होता है, जैसे चेकलिस्ट मेंटेन करना होता है, सेफ्टी इमरजेंसी बटन हमें मेंटेन करना होता है, ऑपरेटर को बिल्कुल अच्छे से ट्रेनिंग दिया है। अगर हम साइट पर काम करते हैं जैसे कमर्शियल लिफ्ट है, आप देखे होंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में कमर्शियल लिफ्ट होता है, तो उसको हम कभी भी ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के अंदर देखा जा रहा है कि हेल्पर को उठाकर ऑपरेटर बना दिया जा रहा है, तो उसको हम ट्रेनिंग देना चाहिए कभी भी, उसको एक सर्टिफाइड करना चाहिए, उसको अवेयर करना चाहिए इमरजेंसी के बारे में। तो हमने किस तरीके से किया आप ये वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि क्या है आपको हर फील्ड का एक नॉलेज होना चाहिए। और मैं जैसा एक जो पद पर हूँ और मैं लोगों को इस तरीके से ट्रेनिंग देता हूँ और देते रहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी ट्रेनिंग दो और सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो आप लाइफ में आगे किस तरीके से बढ़ेंगे तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो ताकि इसमें कुछ नॉलेज मिले, कुछ टिप्स मिले, तो ताकि आपको नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़े। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा और वीडियो में कंटिन्यू। लेकिन ये मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसका 80% आप लेंगे तो कितना होगा, 1600 के जी, ठीक है। उसके ऊपर मेरे को नहीं ले जाना, ठीक है। अगर कोई कोर्स करता है तो आपको ले जाना ही है, आप बता सकता है। अगर आप उठा रहे हैं तो फुल आपका जिम्मेदारी है, ठीक है। आप उठा रहे हैं जानबूझ के, मतलब ये आपका जिम्मेदारी है। आपको इसमें जिम्मेदारी की बात नहीं है, जिम्मेदारी से भी ज़्यादा बढ़कर आप एक हादसे में जा रहे हैं। जिम्मेदारी छोड़ दो, जिम्मेदारी तो हम तो एक ऑपरेटर है, लेकिन जिम्मेदारी से भी ज़्यादा बढ़कर आपके साथ साथ दूसरे का भी रिस्क है, समझे। ये लिफ्ट जो है ना सबसे डेंजर क्या है, ये लिफ्ट सबसे डेंजर जो हम लोग बिल्डिंग वाला जो यूज़ करते हैं ना, वो कितना छोटा और कितना सिक्योर होता है जो लीवर के। लेकिन ये क्या है, आप देख रहे हैं पटरी पे चल रहा है, सेक्शन के ऊपर चल रहा है और उसके साथ मटेरियल भी लेते जाना है, तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें फायर लग सकता है, सबसे ज़्यादा खतरा क्या फायर का भी रहता है, वो सिलेंडर का है, ठीक है। फायर के लिए सिलेंडर रखो, इमरजेंसी नंबर रखो यहाँ पर, अगर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है इमरजेंसी, अगर अच्छा प्रिंट दे देता हूँ इसको फाड़ देना, फाड़ के लगा देना अपने थैली में करके अच्छे से। साउथ डिपार्टमेंट में, साउथ डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है इसमें, ईएनआई का है, सेफ्टी का है, मैकेनिकल का है और ऑपरेटर जो जो ऑपरेटर है सिक्योरिटी का भी है, फायर का भी है, ये है फायर का, देखो सब है। लेकिन आपने इसको फाड़ दिया, ध्यान नहीं दिया सर, पानी से ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप ये दे देंगे। इसमें क्या है, ये परमिट रखने के लिए नहीं है, ये आप इसमें चेकलिस्ट मेंटेन करिए। अभी सेफ्टी ऑफिस में आइए, आप आइए जीरोक्स कॉपी पूरा कर लो इसका, जीरोक्स कॉपी करके सब यहाँ पे डेली मेंटेन करिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, हम लोग काम सुरक्षित करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। प्लांट में आने का मतलब क्या होता है, हम लोग एक फैमिली के लिए आए ना, आप भी फैमिली के लिए आए, बीवी बच्चों के लिए आए, तो हम लोग चाहते हैं सब सुरक्षित रहे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या रिस्क नहीं कर सकते, ये जहाँ एक बार हादसा में जी गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कहीं बीच फ्लोर में फंस गया तो क्या कर सकते हैं, किरण लगाने का भी यहाँ पर जगह नहीं है, तो रेस्क्यू करने का कोई चांस नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों को जितना होता है हम लोग उतना सेफ्टी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो परमिट है, परमिट आप यहाँ पर मत रखिए, कुछ इसके लिए अच्छा जगह बनाइए, ठीक है। और परमिट को अच्छे से मेंटेन करिए, देखिए बैक साइड में कुछ होता है, क्या होता है बैक साइड में कुछ होता है ना, ये वाला जरूर मेंटेन करिए। क्यों, क्या होता मालूम है, कोई हाई मैनेजमेंट आपको पकड़ेगा तो उसमें मजाक होता है, क्या होता है, सुपरवाइजर शायद पढ़ा नहीं है या इंजीनियर पढ़ा नहीं है या अल्ट्राटेक का मैनेजमेंट पढ़ा नहीं है या देखा नहीं है, तो हम लोग आप ऐसा काम करें जिसमें हमारा खुद का मजाक नहीं हो, ठीक है, सही बात है ना। अभी रीगल लोग ऐसा काम कर रहा है तो वेल्डर देख के हंसेगा, लिफ्ट में ऐसा काम कर रहा है तो दूसरा आदमी देख के हंसेगा, तो ऐसे ही हमको
ये परमिट भी पूरा अच्छे से मेंटेन करना है, ये पूरा परमिट। देखिए पीछे बैक साइड में आपने क्या डाला है, प्रिकॉशन टेकिन में आपने डाला है, लेकिन उधर क्या क्या काम है और भी जो जो काम है वो पूरा फिल करो इसका, ठीक है। अभी यहाँ पर परमिट भी चेक होता है कभी कभी, ठीक है, ऐसा नहीं कि रोज़ चेक होगा, लेकिन कभी कभी चेक होगा, तो इसको प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करो, ठीक है। लेकिन ये परमिट रखने के लिए लिफ्ट का दिया है क्या, परमिट शिफ्टिंग का बनेगा ना, सेफ्टी ऑफिस में जाकर परमिट के लिए एक फाइल है, फोल्डर है, अच्छा डाल के उसको लटका सकते हो, उसमें लिखा भी रहेगा परमिट होल्डर, ठीक है, उसको डालिए, वो चीज़ का यूज़ करिए, क्यों आपके पास सिस्टम है आप यूज़ करिए। लेकिन ये वाला चेक लिस्ट रहेगा, इसमें मैनुअल कार्ड रहेगा, कैसे हमको ऑपरेट करना है, इसका बुक होता है ना, हाँ कहाँ पे है इसका बुक, तो इनको ही पता होगा सर, इसका बुक इसका मैनुअल कहाँ है, इसका वो फॉर्मो जी के पास है, ठीक है, उसका कॉपी कुछ जो ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से लोग निकाल सकते हैं, शायद इसके लिए भी ऐसा किया होगा, तो आप थोड़ा बहुत इसमें जीरोक्स कॉपी डाल दो ताकि ऑपरेट करने के लिए आसानी हो, बुक को पढ़ सकता है कोई, ठीक है। तो सभी करेंगे, ये भी है ना सर, कौन सा, ये जो है, ये भी है ना, ये भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, ये भी इसमें पूरा फंक्शन के बारे में बताया, एक एक बटन के बारे में बताया, कैसे इमरजेंसी होगा, क्या होगा, F2 में क्या है, ये पूरा जो है इसमें डिस्प्ले आएगा, बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, F1 मींस इमरजेंसी स्टॉप बटन, मतलब स्टॉप बटन ऑपरेटेड है, ठीक है, ये रिलीज होगा तब चालू होगा, F2 है मेंस डोर सर्किट कार्ट व्हेन द लिफ्ट ट्रैवलिंग, कोई खुला है कहीं पे तो खुला है, और सबसे ज्यादा जो जरूरी अभी हम लोग फोर क्लिप किए अपना लिफ्ट में आते हैं, सुबह मॉर्निंग में लिफ्ट में आते हैं, सबसे पहले डोर चेक करना है, पूरा एरिया अच्छे से चेक कर लेना है, हाँ बराबर है, इधर आ गए हम लोग, फिर हम लोग एक बार बंद में पूरा एरिया चेक करना है बराबर से, ये काम कर रहा है कि नहीं है सर, बंद है, हाँ ये बराबर है कि नहीं, ये चेक कर लो एक बार, बटन वटन सब चेक कर लो, ठीक है ये, हाँ मेरे को भी लग रहा है फिल्म में यहाँ पर अभी सही हूँ, तब उसके बाद बंद करके आदमी को काम के लिए अलाउ करना है, ठीक है, ठीक है। और आप लोग थोड़ा कम्युनिकेट करिए, समझे चाचा, आप भी थोड़ा बातचीत करने से क्या होगा, एक दूसरे को नॉलेज मिलेगा, चुप रहने से कोई फायदा नहीं, ठीक है, तो सभी करेंगे, ठीक है। काजू उसको थोड़ा आप बताओ, ये वाला जो है ना, ये लीवर से जैसा इमरजेंसी में डाउन करता है ना, कैसे कर रहा है सर, ऐसे कि पावर फेल हो गया, बीच में अटक गया, कैसे करना है, किए हो कभी, हल्का हल्का करना है, पूरा एक ही साथ में नहीं लेना, ये ऊपर का मैनुअल ऐसा होता है, मैं एक बार भी सीधा नीचे आता है, हाँ करिए एक बार, थोड़ा सा डाउन, ऊपर में जाएगा तो डाउन है, ऊपर में मैंने के बाद ही करा चला है, अच्छा ऊपर से आने में आएगा, ठीक है, ठीक है, ये जो तीर का दिशा दिया है सेम वैसी अपने को नीचे करना है, ठीक है, अभी ये क्योंकि डाउन है, खाली डाउन आने के लिए, अच्छा इसमें से अभी कौन कौन चलाएगा आगे, ये चारों चलाएगा, ये चारों आप ही चलाएंगे, आपका क्या नाम है, सरफराज खान, सरफराज खान काका, आप आपको समझ में आया क्या का बोला साहब, ये जो मैनुअल है ना, ये जो मैनुअल है ना, ये खाली ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ये कोई भी दिशा में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है नीचे आने का कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये इसको ऐसा समझना है, क्योंकि जमीन पे जब नीचे आएगा तभी तो मैं सेफ हूँ, तो इसके लिए एक तरफ से काम करने के लिए बनाया गया, ठीक है, बाकी बढ़िया सब, मोटर वीटर का सब है, अभी क्या मानसून अभी टाइम है, मोटर वीटर देखो कवर है कि नहीं, थैली वगैरह लगा कि नहीं, कवर सब कवर है ना, ठीक है चलो, बहुत अच्छा है। और क्या बोलते हैं आप दोनों का, ये जो है आप दोनों, ये लोग चलाता है काजू, आप क्या है, हेल्पर है, दोनों हेल्पर है, दोनों हेल्पर है, इरमे में भी चला दिया है, कौन ये काका, दोनों चला, अच्छा ये भी चला, तीनों चला है, इरमे तो ये चलाया होगा तो इनको मालूम होगा, आप कर लेंगे ना, आप लोग इनके साथ एक दिन रहो,
फुल डे, ठीक है, आपको ऑपरेट नहीं करना है, आपको पहले देखना है ये क्या कर रहा है, ये साथ में रहेगा तभी चलाना, ठीक है, एक दिन फुल डे रहो, आप काजू इल्लू को छोड़ना, आप साथ में रहना, इल्लू को देखना, ठीक है, ऐसा नहीं इल्लू को पहले दिन छोड़ना। कभी भी क्या होता है, नया आदमी आया भाई, ये पुराना आदमी है सीख लो, अब ये पुराना आदमी क्या करेगा, मैं जाता हूँ चाय पीने इसको दे दिया, ऐसा भी नहीं करना, हमारा भले से चाय का टाइम खत्म हो जाए, नाश्ता का टाइम खत्म हो जाए, लेकिन ये आदमी को सिखा कर ही जाना है, इससे पूछना है कि आप शोर है पक्का है, ये बटन कैसा है, ये बटन कैसा है, अभी मैं आपसे पूछा ये इमरजेंसी बटन किधर है, मेरे को भी मालूम है ये, लेकिन क्या मैं एक बच्चा बन गया, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है ये किधर है, आप बताइए, ये बताया आपने, तो सेम ऐसा सिखाने वाले को भी पूछना है, एक बार बताने के बाद फिर एक बार पूछना, ठीक है, बराबर। और एक चीज़ है, कोई लैंडिंग में जैसा